Okay, so welcome to all the participants. Good evening. Hardly how many? 13 have joined. Anyhow, at least this many people have joined. So we will start off with the program. Mary? Hello? Yes, ma'am. So, Mary ke baare mein aap log sab jante ho. ठीक है, ऑलरेडी मेरी ने आपको दो क्लास तो ले चुका है, दो सेशंस. ठीक है, तो आज का सेशन बेसिक नर्सिंग स्किल है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है. जबकि हम लोग बाकी पूरा अलग करने से भी बेसिक नर्सिंग स्किल्स बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आधा का ज्यादा हमारा जो भी पेशेंट्स है उन लोग सब बेडरिडन हो जाता है, नहीं तो घर पे रहता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाता है. जैसे कि जीरियाट्रिक एल्डरली पेशेंट्स होता है ना, बुजुर्ग लोग होगा, तो इनको देखभाल कैसे करना है, ये बेडबॉर्न पेशेंट को कैसे देखभाल, उनका बेसिक क्या चीज चाहिए. ठीक है, उसके बारे में आज आज का सेशन उसी के बारे में है. सो ओवर टू यू मेरी, यू कैन स्टार्ट. आई एम हियर ओनली. ओके, गो ऑन. सो शैल आई शेयर माय स्लाइड्स? यू ऑलरेडी हैव द शेयरिंग राइट्स मैम, प्लीज गो ऑन. Facing some problem in the time. Can you see my slide? Recording in progress. Yes, you are visible, ma'am. तो आज के हमारे जो टॉपिक है बेसिक नर्सिंग इश्यूज इन पैलेटिव केयर. तो हमारे जो हम जो नर्सेस को क्या क्या चैलेंजेस मिलते हैं पेशेंट के देखभाल करते वक्त, तो आज हम एक वन बाय वन सब देखेंगे. तो आज के हमारे लर्निंग पॉइंट्स में क्या है, तो हम बेसिक नर्सिंग इश्यूज में उसके इंट्रोडक्शन, एम, केयर ऑफ बेड रिडन पेशेंट्स, नर्सेस के रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उसमें पेशेंट को न्यूट्रिशन किस तरह से देना है, पेशेंट को अगर एक्सरसाइज की जरूरत है तो एक्सरसाइज के हिसाब से कैसे हम लोग पेशेंट को हेल्प आउट कर सकते हैं, और मेन जो बात है हम केयर गिवर को हमारे केयर हम जो केयर देते हैं उसके एजुकेट कैसे करते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, आज का सेशन में हम लोग देखेंगे. तो बेसिकली नर्स के बारे में मैं बताने की कोशिश करूंगी कि नर्सिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड न्यूट्राइर व्हिच मींस टू नरिश. नर्सेस का नर्सेस का जो इम्पोर्टेंट रोल है वो नरिश करती है, मतलब पोषण करती है. और नर्सिंग इज डिफाइंड एज आर्ट एंड साइंस. हर बात में कुछ पेशेंट को कैसे हम लोग कैसे किस प्रकार से देखभाल कर सकते हैं वो एक आर्ट है नर्स के पास. सो अ पर्सन हु केयर्स फॉर द सिक एंड डाइंग, जो लाइफ लिमिटेड पेशेंट है या तो फिर पेशेंट जो बीमार है बिस्तर पे लेते हैं, उस पेशेंट्स को नर्स के सिवा दूसरे कोई और देखभाल नहीं कर सकता है. तो फिर वो पेशेंट की देखभाल भी करते हैं. और नर्स का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो बहुत जेंटल रहती है, वो समझदार रहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करती है और सहानुभूति भी है. और वो उसके उसमें एक क्षमता है कि हर एक प्रॉब्लम को अच्छी तरह से वो फेस करती है और अच्छी तरह से हैंडल करती है.
तो इंट्रोडक्शन नर्सिंग के अपने जो इश्यूज मेन टॉपिक जो है उसमें जो है नर्सिंग केयर ऑफ बेड रिडन पेशेंट इज मोस्ट चैलेंजिंग एस्पेक्ट. हमको हर बात हर एक हर एक देखभाल के उसमें नर्सेस को बहुत चैलेंजिंग चैलेंजेस एक्सेप्ट करना पड़ता है. नर्सेस को बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसमें भी नर्स इतनी अच्छे से वो प्रॉब्लम सॉल्व करती है कि उस और उसकी इम्पोर्टेंट है वो जो मेन उसका जो की रोल है पैलेटिव केयर में वो बहुत अच्छी तरह से वो उसमें से निकलती है. और उसकी जो नर्स की जो मेन क्वालिटी है वो गुड कम्युनिकेशन और उसके पास इतनी अच्छी नर्सिंग स्किल है कि वो अच्छी तरह से उसका सर्वोत्तम देखभाल करती है पेशेंट के और उसके फैमिलीज के. उसके दिस ट्रेनिंग इज टू एम्पावर द नर्सेस टू प्ले देयर रोल मोर इफेक्टिवली. तो हम लोग पैलेटिव के बारे में देखते हैं. पैलेटिव केयर इज द एक्टिव टोटल केयर ऑफ पेशेंट हुज डिजीज इज नॉट रेस्पॉन्सिव टू क्यूरेटिव ट्रीटमेंट. द गोल ऑफ पैलेटिव केयर इज अचीवमेंट ऑफ बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर पेशेंट्स एज वेल एज देयर फैमिलीज. वो उस नर्स के पास इतनी अच्छी क्वालिटीज है कि वो पेशेंट को किस तरह से अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जीना सिखाना है और उसके रिलेटिव्स को भी अच्छी तरह से पेशेंट की किस तरह से देखभाल करना है ये सिखाती है. पैलेटिव केयर में एंड ऑफ क्योर रह सकता है लेकिन केयर के लिए एंड नहीं है. तो हमारा जो एम है तो पेशेंट को किस तरह से कंफर्ट देना है, इम्प्रूव सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसके खुद के ऊपर भरोसा कैसे लाना है और उसको अलगाव से रोकना है, प्रिवेंशन ऑफ आइसोलेशन, और उसकी उसी तरह से उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इम्प्रूव करना है ये हमारा एम है. नर्सेस का एक महत्वपूर्ण रोल है कि पेशेंट लोग हम लोगों को अपना नाम हमारा नाम भूल सकते हैं लेकिन हम लोगों के चेहरे पर से वो पहचान जाते हैं या तो फिर हम लोगों ने उनको किस तरह से केयर दिया वो कभी नहीं भूलते पेशेंट और पेशेंट के केयर गिवर. तो किस तरह के पेशेंट हु नीड्स द केयर, किस तरह के पेशेंट को केयर इम्पोर्टेंट है. जो लाइफ लिमिटिंग इलनेस है जिस तरह के कैंसर हो, HIV हो, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो पेशेंट को, जो बिस्तर में बहुत दिनों से लेटे हुए हो, एक्सीडेंट के पेशेंट, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको किस तरह उन लोगों को केयर इम्पोर्टेंट है. दूसरी बात, कहाँ पे हम लोग पेशेंट को केयर दे सकते हैं. पेशेंट का केयर कहीं भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल में ही दे सकते. पेशेंट को नर्सिंग होम में दे सकते हैं, घर पे दे सकते हैं. डे केयर पैलेटिव सेंटर्स भी है जिसे रेस्पाइट केयर बोलते हैं, हॉस्पिटल में भी दे सकते हैं. किधर भी पॉसिबल हो वहाँ पे हम लोग पेशेंट की केयर दे सकते हैं. तो किस तरह से उनके पास हम लोग अप्रोच करते हैं पेशेंट को. पैलेटिव केयर के ये जो इम्पोर्टेंट क्वालिटी है, पैलेटिव केयर एज पेशेंट को एज अ होल देखिए, सिर्फ उसके फिजिकल सिम्टम्स पे नहीं जाती है तो सिर्फ उसको फिजिकल, इमोशनल, सोशल और स्पिरिचुअल, ये चारों जो डोमेन है उस हिसाब से पेशेंट और फैमिली को होलिस्टिक अप्रोच से जाते हैं. तो किस तरह के पेशेंट्स हैं हमारे पास, तो दो तरह के पेशेंट्स देखते हैं हम लोग, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस. कॉन्शियस मतलब जो हम लोग बात कर रहे हैं उसको अच्छे तरह से समझ सकते हैं, उन लोगों को किस तरह का केयर देना है. तो उन लोगों को केयर एक्सप्लेन करना पड़ता है जो कॉन्शियस लोग है, कॉन्शियस पेशेंट है. उन लोगों को सिर्फ असिस्टेंस की जरूरत है, उन लोगों के साथ वन टू वन हम लोग कम्युनिकेट करके उनके साथ बात कर सकते हैं. लेकिन अनकॉन्शियस जो पेशेंट्स है तो उन लोगों को केयर जब देते हैं तो उनके जो केयर गिवर है उनको हम लोगों को उनका केयर प्लान एक्सप्लेन करना पड़ता है. और उनको जो अनकॉन्शियस पेशेंट रहते हैं उन पेशेंट्स को टोटल केयर की इम्पोर्टेंट है. हेड टू फुट जो भी केयर देना है, जो भी हम लोग मरीज को केयर देना है वो इम्पोर्टेंट है, टोटल केयर इम्पोर्टेंट है उनके बारे में. तो पहले केयर हम लोग देखेंगे जो बेसिक केयर है, ओरल केयर. तो ओरल केयर क्यों देना है और किस तरह से देना है,
तो उसके जो ऑब्जेक्टिव्स है टू एनकरेज ओरल केयर टू रिड्यूस रिस्क ऑफ इन्फेक्शन डिसकंफर्ट एंड इम्प्रूव एपेटाइट। ओरल केयर क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके जो एम है हमारा, तो ओरल इंटेक अच्छी तरह से लेना है, लेने के लिए उसके जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन के रेट जो है उसके कम करने के लिए कोशिश करते हैं, जो भी उनकी पीड़ा है और पीड़ा कम करके उनको अच्छी तरह से पेट भर के खा सकते हैं और उनके एपेटाइट जो है वो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं या इंप्रूव कर सकते हैं। तो हम लोग डिपेंडेंट पेशेंट्स के बारे में देखेंगे, तो डिपेंडेंट पेशेंट्स को हर 2 या 4 घंटे में माउथ केयर देना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिस्तर पे लेते हुए पेशेंट्स को उनके खुद के देखभाल नहीं कर सकते, तो हर 2-4 घंटे में पेशेंट्स को माउथ केयर देना इम्पोर्टेंट है। उसी तरह से उन लोगों के जो मुंह का ओरल हाइजीन रहता है तो वो बहुत डेलिकेट रहता है, और उस पेशेंट्स को हम लोगों को सॉफ्ट ब्रश, जो बच्चों के जो ब्रशेस रहते हैं उसके ब्रिसल्स बहुत सॉफ्ट रहते हैं, तो वो सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला या फोम स्टिक एप्लीकेटर, तो उस या तो फिर गौस पीस, एक फिंगर को उंगली को लपेट के उसको अपने जो माउथ वॉश रहता है, जो भी माउथ वॉश रहता है उसमें डिप करके या तो फिर पानी में या सलाइन में डिप करके उसको पेशेंट्स को क्लीन कर सकते हैं। या तो कभी कभार ऐसा होता है कि पेशेंट को सिरिंज से माउथ केयर देना पड़ता है, फ्लशिंग करना पड़ता है। उसके मैनेजमेंट कैसे प्रकार से कर सकते हैं, तो इरिगेट और गार्गर विद सोडा एंड सॉल्ट। तो सोडा सॉल्ट मिक्स करके, 1 ग्लास पानी में सोडा और सॉल्ट मिक्स करके उसको माउथ गार्गलिंग करने के लिए दे सकते हैं, या तो फिर हम लोग सिरिंज से भी फ्लश करके उनका ओरल हाइजीन अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हैं। उसी हिसाब से मैजिक माउथ वॉश, जो जिस पेशेंट्स को म्यूकोसाइटिस है, हैलिटोसिस है, उस पेशेंट्स को भी मैजिक माउथ वॉश से बहुत यूजफुल है। तो अगर पेशेंट्स को ओरल पेन है तो लोकल एनेस्थेटिक से पेशेंट को हम लोग मुंह पे अप्लाई कर सकते हैं माउथ वॉश के बाद। तो फिर उस जब माउथ वॉश पेन जब होता है तो लोकल एनेस्थेटिक जब हम लगाते हैं पेशेंट को, तो फिर उनका जो पेन है तो वो कम हो जाता है, जिससे वो ओरल इंटेक इंक्रीज कर सकते हैं। तो जब भी हम लोग माउथ वॉश देते हैं पेशेंट को, तो पेशेंट को आधा घंटा पहले माउथ वॉश देंगे या तो 10-20 मिनट पहले देंगे, तो फिर माउथ वॉश के बाद वो ओरल रिंसिंग होने के बाद पेशेंट का पेन कम होता है, जिससे वो ओरल इंटेक ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं और प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स ले सकते हैं पेशेंट को। और केयर गिवर को हम लोग डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, उसको टेक्निक दिखा सकते हैं कि अगर कॉन्शियस पेशेंट है तो प्रॉपर पोजिशन दे के बिठा के उन लोगों को हम लोग किस तरह से गार्गलिंग कर सकते हैं, या सॉफ्ट ब्रश दे के उनको माइल्ड जो तो ये टूथपेस्ट आते हैं तो उस टूथपेस्ट से कैसे क्लीन कर सकते हैं कॉन्शियस पेशेंट को। अगर अनकॉन्शियस पेशेंट है तो टोटल केयर हम लोगों को देना पड़ता है, वन साइड टर्न करके पेशेंट को, जिससे पेशेंट एस्पिरेट ना करे, तो फिर पेशेंट को माउथ केयर देना पड़ता है जो आर्टरी फोर्सेप हो, या तो फिर हम लोगों के पास चॉपस्टिक्स रहते हैं, जो रिलेटिव्स को हम केयर गिवर्स को हम लोग सिखा सकते हैं कि जेंटल माउथ केयर कैसे देख सकते हैं। अगर पेशेंट्स को डेंचर्स है तो निकाल के ओवरनाइट सोक करना पड़ता है, तो अप्लाई लिप बाम्स टू लिप्स। क्यों लिप बाम करना है पड़ता है, क्योंकि तो क्रैक्स चिलियोसिस वगैरह ना हो पेशेंट्स को, तो सॉफ्ट मॉइस्ट रखने के लिए हम लोग लिप बाम अप्लाई करना ही पड़ता है। तो हर दिन पेशेंट्स के ओरल हाइजीन एवरी डे इवेल्युएट करना है, क्योंकि एवरी डे इवेल्युएट करने से हम लोगों को पता चलता है कि पेशेंट को हैलिटोसिस है या कैंडिडियासिस है, या ओरल प्रॉब्लम किस तरह के ओरल प्रॉब्लम पेशेंट को हो रही है। अगर हैलिटोसिस है तो मुंह में बदबू आ रही है तो पेशेंट को हम लोग एंटीसेप्टिक माउथ वॉश दे सकते हैं। तो मार्केट में बहुत सारे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस आए हैं जिससे माउथ वॉश बहुत अच्छी तरह से हो सकते हैं। तो अगर पेशेंट्स को लंग इन्फेक्शन है तो सिस्टमिक मेट्रोनिडाजोल सिस्टमिक ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, और लोकल भी ट्रीटमेंट है, जैसे गम्स का प्रॉब्लम है तो ओरल लिक्विड मेट्रोनिडाजोल जो हम लोग सलाइन में लगाते हैं, तो उस पेशेंट्स को 1 ग्लास में डाल के या 1 बोल में डाल के उन लोगों को स्विशिंग करने के लिए बोल सकते हैं। तो मेट्रोनिडाजोल और नॉर्मल सलाइन 1:1, अगर 50 ml मेट्रोनिडाजोल लिया है तो 50 ml
नॉर्मल सलाइन लेके पेशेंट को फ्लॉसिंग करने के लिए, स्विशिंग करने के लिए बोल सकते हैं, जिससे हेलिटोसिस कंट्रोल में आती है। तो सोडा बाई का माउथ वॉश, तो एक टीस्पून सोडा बाई सोडा लेके एक एक पाइंट वाटर में मिला के, सोडा और वाटर दोनों मिला के हम लोग पेशेंट को स्विशिंग करने के लिए दे सकते हैं, जिससे हेलिटोसिस कंट्रोल में आती है। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? तो मेटिकुलस सावधानी से पेशेंट के मुंह मुझे और मतलब ओरल हाइजीन देना है, मुंह को साफ करना है, क्योंकि ये बहुत डेलिकेट रहते हैं। अगर पेशेंट को कुछ इन्फेक्शन है या तो फिर पेशेंट को ओरल हाइजीन जो देना है तो सावधानी से देना है। तो क्लीन एंड सोक द डेंचर्स, एडिक्वेट फ्लूइड इंटेक, फ्लूइड इंटेक से क्या होता है कि बदबू कंट्रोल में आ सकती है। तो फ्लेवर्ड मिंट्स, मार्केट में बहुत बहुत तरह के मिंट्स आते हैं जिससे च्युइंगम्स रहते हैं, तो वो उससे उनका हेलिटोसिस बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल में ला सकते हैं। अगर पेशेंट को ओरल कैंडिडिएसिस है तो वाइट पैचेस जो है उस मुंह में दिखाई दे रहे हैं, जिससे पेशेंट को बहुत तकलीफ हो सकती है, पेन हो सकती है। तो अगर ट्रीट हो सकता है तो ट्रीटेबल लोकल मैनेजमेंट कर सकते हैं, सिस्टमिक मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो गुड ओरल केयर दे सकते हैं पेशेंट को, और कैंडिड माउथ पेंट फॉर लोकल एप्लीकेशन। अगर फंगल इन्फेक्शन है तो सिस्टमिक तरह से उनको एंटीफंगल ट्रीटमेंट दे सकते हैं पेशेंट को। तो क्या क्या सॉल्यूशंस यूज कर सकते हैं? तो एक पिंच सॉल्ट और सोडा विथ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कोकोनट ऑयल इन वन ग्लास ऑफ वाटर, ये बहुत अच्छी तरह से पेशेंट को स्विशिंग करने के लिए देंगे तो बहुत अच्छी तरह से पेशेंट का ओरल हाइजीन मेंटेन होता है, हेलिटोसिस नहीं होता है, म्यूकोसाइटिस में यूजफुल कर सकते हैं पेशेंट को, बहुत अच्छी तरह से यूज होता है। तो कैंडिड माउथ पेंट जो अर्लियर मैंने बताया कि कैंडिडियासिस में बहुत अच्छा यूजफुल है पेशेंट को। तो हम लोग मैजिक माउथ वॉश भी प्रिपरेशन है, जैसे 50 ml जेलोसिल ड्राई बेन 50 ml जेलोसिल लेते हैं, 50 ml ऑफ ड्राई बेनाड्रिल सिरप लेते हैं, 50 ml ऑफ ज़ाइलोकिन विस्कस लेते हैं, और 500 ml NS 1 liter एम्प्टी बिस्लेरी का बॉटल जो रहता है तो उसमें मिक्स करके पूरा टोटल 50 ml का सॉल्यूशन आता है, जिसमें पेशेंट को हर 4 hourly या 6 hourly पेशेंट को माउथ वॉश के लिए यूज कर सकते हैं या स्विशिंग करने के लिए दे सकते हैं, जिससे पेशेंट का हेलिटोसिस हो या पेन हो या ओरल का कुछ भी प्रॉब्लम हो वो अच्छी तरह से मैनेज होता है। उसी तरह से मॉडिफाइड मैजिक माउथ वॉश, जिसमें यही फॉर्मूला है 50 ml टोटल, लेकिन उसमें 120 ml जो लेते हैं, 120 ml सॉल्यूशन लेके उसमें टैप मॉर्फिन 10 mg क्रश करके उसका पाउडर डाल के, तो वो मॉडिफाइड मैजिक माउथ वॉश होता है, जिससे पेशेंट का माउथ पेन जो होता है ओरल पेन वो बहुत कम हो सकता है, जिससे पेशेंट मुंह में थोड़ी देर वो सॉल्यूशन रख लेंगे तो वो पेन जो है बहुत अच्छी तरह से मैनेज होता है, और पेशेंट आधा घंटे के बाद वो अच्छी तरह से खा सकता है, जिससे उसका पेन कम होता है और उसको जब खाना खाते हैं तो पेन नहीं होता है पेशेंट को। तो उसी तरह से हम लोग अब दूसरा ये देखेंगे कि नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग, बहुत सारे नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग के पेशेंट्स होते हैं एडवांस्ड केयर में या तो फिर बेड रिडन पेशेंट्स में, उन पेशेंट्स को ट्यूब केयर के बारे में इम्पॉर्टेंट बात ये है कि उनको केयर कैसे देना है। बहुत सारे पेशेंट्स को ट्यूब डाल के भेज देते हैं, लेकिन ट्यूब के कैसे देखभाल कर सकते हैं या तो फिर ट्यूब फीडिंग किस तरह से देना है, क्या देना है, वो लोगों को केयर गिवर को पता नहीं रहता है। तो फिर किस प्रकार का केयर हम लोग देते हैं? तो जब भी हम लोग पेशेंट का केयर देते हैं तो पेशेंट के केयर गिवर के सामने देना है, जिससे पेशेंट के केयर गिवर भी हम लोगों को देखते हैं कि तो हम लोग किस प्रकार का केयर दे रहे हैं। तो पेशेंट को सेमी फाउलर्स पोजिशन देना है, यानी कि प्रॉपर पोजिशन देना है, और एसेप्टिक सिरिंज यूज करते हैं फीडिंग के लिए, और जो भी फीड हम लोग देते हैं तो वो रूम टेम्परेचर पे रहना है, और हर फीड स्ट्रेन करके, जिससे पेशेंट जो ट्यूब ब्लॉक ना हो, इस बात की
ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए नर्सेस। तो उसी तरह के जब हम लोग फीड देख के हो जाता है, कंप्लीट होता है हमारा फीडिंग, तो फिर उस फीड को प्लेन वाटर से फ्लश करना है, रिंस करना है, जिससे वो फूड पार्टिकल्स वो ट्यूब में ना रहे और डायरेक्टली वो ट्यूब क्लीन हो जाता है। मेडिकेशन जो भी देना है वो अच्छी तरह से पाउडर करके या तो अच्छी तरह से पानी में डिजोल्व करके मेडिसिन जाना है, जिससे उस ब्लॉकेज ना हो। अगर कोई पेशेंट को फीड देते वक्त कोई ब्लॉक हो गया तो उस फीडिंग के दौरान ब्लॉक जब होता है तो फोर्सफुली पुश नहीं करना है, जिससे पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। तो और एक बात है कि हम लोग जो यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं तो हफ्ते में या 15 दिन में पेशेंट को जो भी फीड देते हैं तो नाइट में फीड पूरा होने के बाद, मतलब 10 बजे के बाद या तो फिर शाम के जो लास्ट फीड रहता है, फीड होने के बाद पेशेंट को, फीड कंप्लीट होने के बाद प्लेन वाटर सब देने के बाद पेशेंट के केयर गिवर को, या तो फिर हम लोग ऐसे करते हैं कि एक छोटा सा बोल लेके या तो वाटी लेके तो उसमें थोड़ा सा इनो और थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करके तो वो ट्यूब ट्यूब में से दे देते हैं, जिससे वो ट्यूब पूरी तरह से अगर डर्टी हुआ है तो पूरी तरह से क्लीन हो जाता है। पूरा देने के बाद हम लोग कवर करके रख देते हैं, जिससे उससे क्लीन होता है। कई बार थोड़ा अगर इनो नहीं है तो थोड़ा बाइकाल भी यूज कर सकते हैं। तो दूसरा टॉपिक देखते हैं बॉवल के। अल्ट्रेशन ऑफ बॉवल फंक्शन इन कॉमन इज कॉमन इन टर्मिनली इल पेशेंट। बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स हो या बेड रिडन मरीज हो तो वो कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन है। जब जब हम लोग हिस्ट्री लेते हैं तो पेशेंट बताते हैं लास्ट 4-5 दिन हो गए हम लोगों को मोशन नहीं हुआ है, या तो फिर पेट में दर्द हो रहा है, या तो फिर ऐसे कभी कभार बोलता है कि कॉन्स्टिपेशन होता है, लेकिन पेशेंट बताते हैं कि उन लोगों को डायरिया है। तो हम लोग इस हिस्ट्री में उन लोगों को पूछना पड़ता है कि आपका लास्ट बॉवल मूवमेंट कब हुआ है। तो ये सब एफिशिएंट बॉवल मूवमेंट में एलिवेट डिस्ट्रेस। तो उसमें हम लोगों की कोशिश ये है कि हम लोग बॉवल मूवमेंट अच्छी तरह से रखेंगे तो उनका जो प्रॉब्लम है कम कर सकते हैं। केयरफुल असेसमेंट ऑफ बॉवल फंक्शन ऑन अ डेली बेसिस। मैंने अर्लियर भी बताया आपको, पेशेंट को पूछना है कि आपने आपको मेडिसिन कौन से चालू है, क्योंकि अगर पेशेंट ओपियोइड है तो हम लोग माइंड में रखना चाहिए कि पेशेंट अगर ओपियोइड है तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अगर पेशेंट को ओपियोइड ड्रग दिया है तो उन लोगों को लैक्सेटिव प्रिस्क्राइब किया है कि नहीं किया है। और उनको पूछना ये भी है कि उनका रेगुलर बॉवल मूवमेंट, अगर डेली लाइफ में जब अच्छे थे पेशेंट तो उनके डेली लाइफ में अगर पेशेंट को पहले से ही कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है तो वो भी रूल आउट करना चाहिए, वो भी माइंड में रखना चाहिए। अगर पेशेंट अभी बता रहे कि हाँ बाबा हम लोगों को अच्छी तरह से डेली मोशन हो रहा है, तो फिर अभी इस टैबलेट लेने के बाद हम लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो रहा है तो वो भी हम लोगों को रूल आउट करना चाहिए और उसके बॉवल असेसमेंट, रेगुलर बॉवल असेसमेंट करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं, कॉमन सिम्टम्स क्या रहते हैं, कॉन्स्टिपेशन एंड पेन, नौशिया एंड वॉमिटिंग। कभी कभार हम लोगों को लगता है नौशिया एंड वॉमिटिंग इससे रिलेटेड नहीं है, तो नौशिया एंड वॉमिटिंग हो रहा है तो पेशेंट के हिस्ट्री में भी हम लोग लेना चाहिए कि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है कि नहीं है। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, क्रैम्पिंग है पेशेंट को, बेचैनी से हो रही है, पीड़ा हो रही है, तो फिर उसका दर्द किस तरह से, किस प्रकार का दर्द हो रहा है वो भी देखना है। कुरियस डायरिया और ओवरफ्लो डायरिया, अगर कॉन्स्टिपेशन है तो पेशेंट को मोशन कर, कॉन्स्टिपेशन है तो उसका जो ब्लोटिंग है या तो फिर उसके जो रेक्टम है लोडेड होता है तो उसमें से साइड से लूज स्टूल आता है, जिससे पेशेंट को ऐसे लगता है कि उनको डायरिया है, तो वो डायरिया नहीं होता है तो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन और स्पूरियस डायरिया यानी कि फॉल्स फॉल्स डायरिया हो सकता है। तो कभी कभार वॉवल ऑब्स्ट्रक्शन भी पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस कॉमन सिम्टम्स रहते हैं। तो हम लोग ये सब रूल आउट करना इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट टॉपिक जाते हैं तो ब्लैडर केयर। ब्लैडर केयर भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है पैलेटिव केयर पेशेंट्स में, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है पैलेटिव केयर पेशेंट्स में। तो बहुत सारे पेशेंट्स बेड रिडन होने के कारण उनको कैथेटराइज किया जाता है, कैथेटराइज करने के कारण
उनका जो डिजीज प्रोसेस में रहता है तो उनका इंटेक जो फ्लूइड इंटेक रहता है वो कम होता है, और फ्लूइड इंटेक कम होने के वजह से पेशेंट का आउटपुट कम हो सकता है। तो इस बात की भी जानकारी हम नर्सेस को रहना चाहिए। तो उसमें हम लोग पेशेंट को ये देखना है कि करेक्ट साइज का पुलिस कैथेटर है कि नहीं, और उस रेगुलर चेंज करना है। अगर कैथेटर किया है तो एवरी मंथ, वंस इन अ मंथ करना चाहिए। अगर सिलिकॉन कैथेटर यूज करते हैं तो बहुत बेहतर होता है कि हर 3 महीने में चेंज करने की जरूरत होती है। तो आइडियल वॉल्यूम जो है स्टरल वाटर का जो इनफ्लेट किया रहता है तो 10 ml, 5 to 10 ml रहता है। अगर ज़्यादा हाई वॉल्यूम अगर इन्फ्लेट किया तो कभी कभार पेशेंट्स को ब्लैडर के स्पैजम्स भी आ सकते हैं। तो डेली क्लीनिंग ऑफ कैथेटर, अगर पेशेंट कैथेटर बेड रिडन है तो उससे कैथेटर के जो सराउंडिंग है सोप एंड वाटर से क्लीन करके, तो विटाडिन का जो गॉज रहता है तो लपेट के रखते हैं जिससे इन्फेक्शन ना हो पेशेंट को, और एवरी मंथ पुलिस कैथेटर चेंज करने की जरूरत होती है। और पेशेंट के अगर राइल्स ट्यूब है पेशेंट को, तो राइल्स ट्यूब के इससे हम लोग पेशेंट को ये बात बता सकते हैं कि आपका फ्लूइड इंटेक ज़्यादा करनी चाहिए जिससे पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो, जिससे पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन ना हो, जिससे पेशेंट का आउटपुट ज़्यादा आता है तो ब्लैडर का जो मूवमेंट है अच्छा होता है, तो आउटपुट अच्छी आती है, तो इंक्रीज कर सकते हैं पेशेंट का ओरल इंटेक। यूरोसैक जो बैग रहते हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि या जब होम विजिट को जाते हैं हम लोग तो बेड पे ही रहता है, तो उस बेड पे ही ना ना रखें कि ताकि नीचे वेस्ट लेवल पे वो यूरोसैक बैग रखना चाहिए, क्योंकि अगर ऊपर रखते हैं तो पेशेंट को दिक्कत होती है, पेशेंट को आउटपुट मेंटेन नहीं काउंट नहीं हो सकता है, पेशेंट का आउटपुट नहीं होता है तो ब्लैडर डिस्टेंशन हो जाता है। तो वेस्ट लेवल पे रखेंगे तो आउटपुट कितना आता है तो हम लोग काउंट कर सकते हैं। और हमेशा यूरोसैक का बैग जो है उसका जो कवर है बैग का हमेशा कवर रखना है, क्लोज रखना है उसको। तो तीसरी बात जो देखते हैं तो स्किन केयर भी इतना इम्पोर्टेंट है बेड रिडन पेशेंट्स के, क्योंकि बहुत उनका डेलिकेट हुआ रहता है, तो उस मरीज को बेडसोर होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि बेड रिडन होते हैं, बेड बाउंड रहते हैं। तो हम लोग एक बात जरूर हमारे टॉप ऑफ द माइंड रहना चाहिए कि अभी मरीज तो बेड रिडन है तो बेड रिडन पेशेंट को क्या क्या केयर लेना पड़ता है, तो वो खुद से केयर नहीं ले सकते, तो ऐसे लेटे रहने की वजह से तो फ्रिक्शन शेयर इस सब के कारण पेशेंट को बेडसोर होने के चांसेस है। तो हम लोगों को पहले इम्पॉर्टेंट जो है तो प्रिवेंशन ऑफ बेडसोर, तो हर दिन हम जब भी पेशेंट को डेली स्पॉन्जिंग देते हैं तो उनका जो पोजीशन है हमेशा चेंज करना चाहिए। हम लोग पेशेंट को स्पॉन्ज देते हैं तो उनका स्किन इंस्पेक्शन करने जरूरत है, पेशेंट को लाली है कि ड्राई स्किन है, और उसके स्किन के ऊपर पैचेस है कि कुछ, ये सब देखने की जरूरत है। और उसी तरह से हम लोगों को प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन के डिवाइसेस है मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है, मतलब ये एयर बेड है, वाटर बेड है, एयर कुशन है, तो इन सब डिवाइसेस के मदद से हम लोगों को पेशेंट को बहुत अच्छी तरह से बेडसोर प्रिवेंट कर सकते हैं पेशेंट को। उसी तरह से हम लोग पेशेंट का बैलेंस डाइट भी इंकरेज करना चाहिए, क्योंकि अगर पेशेंट अच्छी तरह से डाइट लेते हैं तो फिर पेशेंट को बेडसोर स्किन का जो कंडीशन अच्छी तरह से मेंटेन रह सकते हैं, क्योंकि बैलेंस डाइट अगर लेता है तो पेशेंट को नरिशमेंट अच्छी मिलती है। और उसी तरह से हम लोगों को पेशेंट के रिलेटिव्स को केयर गिवर्स को एनकरेज करना चाहिए कि हर 2-4 घंटे में पोजीशन चेंज करना चाहिए पेशेंट को, जिससे पेशेंट को बेडसोर प्रिवेंट कर सकते हैं। उसी तरह से बैक केयर देने की जरूरत भी पड़ती है, तो जब भी हम लोग स्पंज देते हैं तो बैक भी इतना ही इम्पोर्टेंट है, वो बैक को हम लोगों को माइल्ड सोप और वार्म वाटर से क्लीन करना है। तो वार्म वाटर मतलब जो नीम पानी रहता है, तो उस पानी से पेशेंट को बैक का केयर देना है, क्लीन करना है। तो जब भी हम लोग पेशेंट का बैक केयर देते हैं तो नमी नहीं रहना चाहिए, तो पेशेंट का एरिया जो बैक एरिया है तो पूरी तरह से ड्राई रखना है,
पैट करना है, तो जोर से खींचना नहीं है, रबिंग नहीं करनी है, जिससे पेशेंट को अगर बेसुर होने के चांसेस रहते हैं, तो अगर लाली वगैरह है तो फिर वो ज्यादा इंक्रीज हो सकते हैं, बढ़ सकता है। तो स्किन मॉइस्चराइज रखना है, मॉइस्चराइजर बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, तो हम लोग ऑलिव ऑयल से मॉइस्चराइज कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल से मॉइस्चराइज कर सकते हैं, जिससे पेशेंट का स्किन अच्छी तरह से नरिश होती है, और जिससे पेशेंट का अर्ली साइंस वगैरह है तो हम लोग देख सकते हैं। और उसी तरह से मसाज इम्पॉर्टेंट है, रोटेटरी मूवमेंट्स में मसाज करने की जरूरत है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन पेशेंट को इम्प्रूव हो सकते हैं और प्रिवेंट बेडशोर प्रिवेंट कर सकते हैं। उसी तरह से हम लोगों को ऑब्जर्व करना है स्किन चेंजेस कुछ है, लाली है या तो स्किन पीलिंग है, तो फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड का या तो फोर्थ ग्रेड का बेडशोर है क्या पेशेंट को, ये देखना जरूरी है। तो हम केयर गिवर्स को भी इतना सिखाना चाहिए कि हम लोगों को पेशेंट से केयर जब भी लेते हैं तो अर्ली साइंस क्या है उनको सिखाना इम्पोर्टेंट है, जिससे वो लोगों को भी उतना कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ बाबा हम उसको पेशेंट को टर्न करने की जरूरत है। अभी अनकॉन्शियस पेशेंट केयर ऑफ बेड रिडन पेशेंट्स में हम लोग नर्सिंग केयर अनकॉन्शियस पेशेंट को किस तरह से दे सकते हैं, किस प्रकार का इम्पोर्टेंट केयर है, तो एडिक्वेट फ्लूइड इंटेक चाहिए, अच्छी तरह से पेशेंट का पर्सनल हाइजीन होना चाहिए। पर्सनल हाइजीन में हेड टू फुट आता है, जो आई केयर है, हेयर वॉश है, नोज केयर है, ईयर केयर, ओरल केयर, तो फिर पेरिनियल केयर, सब पर्सनल हाइजीन में इम्पॉर्टेंट है, और ये बहुत कोर और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर भी मैटर करता है, क्योंकि अगर बॉडी टेम्परेचर हर दिन चेक करना है, पेशेंट को वाइटल्स चेक करना है, जिससे पेशेंट को फीवर है या पेशेंट को टेकिकार्डिया, ये बहुत सारा हम लोगों को इस पेशेंट को जानने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये अनकॉन्शियस पेशेंट है, ये खुद से खुद कुछ उठ के कर नहीं सकते हैं। तो हम लोगों को ही उनको कर उनका जो केयर है वो लेना इम्पोर्टेंट है। पेशेंट को एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक है, अगर पेशेंट को हम लोग अभी तो अनकॉन्शियस पेशेंट है तो राइज टूब तो होगी होगी, तो एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक देना है, जिससे स्किन इंटीग्रिटी अच्छी तरह से मेंटेन होती है, आउटपुट मेंटेन होती है, और बॉवेल मूवमेंट्स भी अच्छी तरह से मेंटेन होती है। तो मोबिलिटी के बारे में भी हम लोग देखते हैं कि टर्न करना है पोजिशन, तो प्रिवेंशन ऑफ बेड सोर के लिए हम लोगों को हर 2-4 घंटे में पेशेंट्स को पोजीशन चेंज करना है। एयरवे क्लियरेंस, अगर पेशेंट को ट्रेकोस्टोमी है तो पेशेंट को एयरवे कैसे क्लियर कर सकते हैं, अगर गर्गलिंग साउंड है, अगर पेशेंट को ट्रेकोस्टोमी ना भी हो तो पेशेंट का अगर सिक्रीशन ज्यादा है तो वो कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि बेड रिडन पेशेंट्स में वन साइड टर्न करेंगे तो वो सिक्रीशंस ड्रूल होते हैं, जिससे हम लोग एक कॉटन स्वाब से क्लीन कर सकते हैं, या तो फिर एक सक्शन कैथेटर रख के सक्शनिंग कर सकते हैं, या तो फिर घर पे अगर है तो फिर एक सिरिंज और सक्शन कैथेटर को कनेक्ट करके हम लोग एस्पिरेट कर सकते हैं पेशेंट को, पेशेंट का सिक्रीशन। तो बेड बाथ में हेड टू फुट आता है, तो केयर ऑफ आईज, नोज, ईयर, पेरिनियल केयर, पेरिनियल केयर जब भी देते हैं तो क्लीन एरिया से अनक्लीन एरिया क्लीन करना है, जिससे इन्फेक्शन ना हो पेशेंट को। तो बॉवल एंड ब्लैडर मैनेजमेंट, अगर पेशेंट को डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, ये भी रूल आउट करके वो ट्रीट करना इम्पॉर्टेंट है। अगर पेशेंट को न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन मैंने यहाँ मेंशन किया है, जिससे अगर डाइटिशियन की जरूरत हो तो डाइटिशियन को भी इन्वॉल्व करना है, जिससे हम लोग डाइट प्लान कर सकते हैं पेशेंट को, जिससे पेशेंट को बैलेंस डाइट मिल सकता है। अगर राइज ट्यूब है तो किस प्रकार का डाइट हम लोग पेशेंट को देना है, अगर बेडसोर है तो उन लोगों को हाई प्रोटीन डाइट देना पड़ता है, अगर डायबिटिक है तो शुगर फ्री डाइट मेंटेन करना है, या हाइपरटेंसिव है तो सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट रहता है। तो ये सब बैलेंस डाइट न्यूट्रिशन के हेल्प से, हमारे टीम मेंबर्स के हेल्प से हम लोग पेशेंट को डाइट प्लान कर सकते हैं, जिससे पेशेंट को अच्छी तरह से न्यूट्रिशन मिलता है। काउंसलिंग, हमारे टीम मेंबर्स में काउंसलर्स भी रहते हैं, जिससे काउंसलिंग पेशेंट के केयर गिवर को काउंसलिंग करना पड़ता है, और पेशेंट को अगर कॉन्शियस है तो पेशेंट के साथ बात करके उनके साथ जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज, तो एक्टिव एंड पैसिव एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है,
जिसे अगर फिजियोथेरेपिस्ट अवेलेबल है तो फिजियोथेरेपिस्ट के हेल्प से हम लोग एक्टिव और पैसिव एक्सरसाइज कर सकते हैं वीकली। वंस उनका विजिट होगा भी तो चलेगा। जहाँ पे नर्सेस है तो नर्सेस उनको केयर गिवर्स को सिखा सकते हैं कि किस तरह से एक्टिव और पैसिव एक्सरसाइज करना पड़ता है, क्योंकि नर्सेस ये सब रोल नर्सेस हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि नर्सेस हैव द क्वालिटीज ऑफ हैंडलिंग दिस ऑल थिंग्स। तो वुंड केयर देखते हैं तो मैलिग्नेंट वुंड बहुत डिस्ट्रेसिंग होता है। महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट है एडवांस कैंसर में, ये मैलिग्नेंट वुंड जो है तो बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिससे पेशेंट्स को फंगेटिंग वुंड जो कॉलीफ्लावर जैसे वुंड होता है, जिससे पेशेंट बहुत ही फिजिकली मेंटली सोशली बहुत ही तकलीफ होती है पेशेंट को। तो अल्सरेटिव वुंड्स जो डीप क्रेटर जो मार्जिन है उसके जो ऊंट के जो मार्जिन है वो रेज होते हैं, जिससे पेशेंट के जो ऊंट है खोल होता है तो खड्डे होते हैं, होल ज्यादा बड़ा अंदर तक रहता है, दिखने में छोटा सा दिखता है लेकिन अंदर बहुत गहरी घाव हो सकता है पेशेंट को। तो हमारा जो एम है तो क्या करना चाहिए, तो प्रमोशन ऑफ कम्फर्टेड होलिस्टिक अप्रोच। पेशेंट फिजिकली सोशली स्पिरिचुअली और इमोशनली बहुत डिस्ट्रेस रहता है, जिससे अगर वुंड है तो पेशेंट को तो फिजिकली पेशेंट को पेन हो सकता है, और दूसरी बात जो है सोशली आइसोलेशन हो सकता है, और तीसरी बात जो है इमोशनली बहुत डिस्ट्रेस होता है। तो ये सब इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है होलिस्टिक अप्रोच नर्सेस को करना पड़ता है। तो वुंड केयर जो है जो भी है वुंड तो उसको क्लीन रखना है, वुंड केयर गुड वुंड केयर देना है पेशेंट को, जिससे हम लोग हील तो नहीं कर सकते लेकिन उन क्लीन रखना जरूरत है, जिससे आगे बढ़ के उनको कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो जो भी हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं वो रियलिस्टिक होना चाहिए, क्योंकि पेशेंट्स बहुत होशियार रहते हैं, उनको पता चलता है कि हमारी बीमारी एडवांस है, या तो फिर कोई काउंसलिंग या किया होता है या तो फिर बैड न्यूज ब्रेक किया होता है, लेकिन उन लोगों को हमारे पास से भी जानना चाहते हैं कि क्या ये सिस्टर बता रही है, सच में बता रही है कि ये कैसे केयर देना है, और पेशेंट अफोर्ड कर सकते हैं उस हिसाब से, और पेशेंट एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो भी ट्रीटमेंट हम लोग दे रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे किस तरह से पेशेंट का हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, ये भी हमारा एम रहना चाहिए। तो मैनेजमेंट, जनरल मैनेजमेंट में हम लोग अगर पेशेंट का जो कंडीशन है ट्रीट कर सकते हैं तो ट्रीट करना, ट्रीट द ट्रीटेबल, आइडेंटिफाई द ट्रीटमेंट दैट प्रमोट्स पेशेंट्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो किस तरह से पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं वो हम लोगों को पेशेंट को सिखाना है, या तो फिर हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है तो प्लानिंग करना चाहिए, इवेल्युएट करना है, तो फिर उस हिसाब से हम लोग को इम्प्लीमेंटेशन करके पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करना जरूरी है। उसी तरह से इफेक्टिव सिम्टम कंट्रोल और प्रिवेंशन ऑफ वुंड कॉम्प्लिकेशंस, आगे बढ़ना बढ़ने के लिए ना देना है, अगर वुंड है तो वुंड का जो कॉम्प्लिकेशंस है तो आगे बढ़ने के लिए ना दे, क्योंकि अच्छी तरह से वुंड केयर देते हैं तो आगे जाके कॉम्प्लिकेशन ना नहीं होते हैं। तो एक्सेप्टेबल ड्रेसिंग्स, बहुत सारे ड्रेसिंग्स मार्केट में अवेलेबल है जिससे पेशेंट को अफोर्ड भी हो सकते हैं, और उस हिसाब से पेशेंट्स को हम लोग ड्रेसिंग मटेरियल दे सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब भी हम लोग ड्रेसिंग मटेरियल लेते हैं तो वो पेशेंट को अफोर्ड होना चाहिए, और दूसरी बात है कि इजीली एक्सेसिबल भी होना चाहिए। तो होलिस्टिक अप्रोच टू प्रोमोट सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट हेड ऑफ द फैमिली रहते हैं तो उनका आत्मसम्मान भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो स्पेसिफिक मैनेजमेंट जो है, तो कंट्रोल ऑफ माल ऑर्डर किस तरह से हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। तो वुंड केयर जब भी लेते हैं तो माल ऑर्डर कैसे किस तरह से, तो सिस्टमिक मैनेजमेंट, लोकल मैनेजमेंट भी दे सकते हैं पेशेंट को, सिस्टमिक मैनेजमेंट मतलब एंटीबायोटिक दे सकते हैं, लोकल मैनेजमेंट में किस तरह से वुंड क्लीन कर सकते हैं, तो मेट्रोनिडाजॉल बहुत अच्छी तरह से यूज होता है पेशेंट को लोकल ट्रीटमेंट में, तो उन क्लीन करने के लिए मेट्रोनिडाजॉल सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि मेट्रोनिडाजॉल जो भी सॉल्यूशन यूज करते हैं
वो रब नहीं करनी है तो इरिगेट करना है या तो शावर करना है। और दूसरी बात है, अगर पेशेंट को ब्लीडिंग है तो जब भी ब्लीडिंग होता है पेशेंट को ट्रांजेनिक एसिड या इंजेक्शन एड्रेनालिन 1:1 सॉल्यूशन में मिक्स करता है, लेकिन जिससे ये भी कॉशियसली यूज करना है क्योंकि इससे प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, बॉडी प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। और दूसरी बात, जो एक्सुडेट्स हैं तो घाव में से पानी निकलना शुरू होता है कभी कभार पेशेंट को, ये बहुत ही डिस्ट्रेसिंग रहता है पेशेंट को। तो उस पेशेंट्स को इस तरह से हम लोग एक्सुडेट्स कम कर सकते हैं, मतलब यूज ऑफ बड़े पैड्स जो है फोम्स के पैड्स या तो बड़े ब्रेसिंग पैड्स यूज कर सकते हैं और प्रेशर दे के रेगुलर चेंज ऑफ पैड्स कर सकते हैं जिससे एक्सुडेट्स कम कर सकते हैं। और कभी कभार अगर एक्सुडेट्स ज्यादा है तो न्यूज़पेपर स्प्रेड करके रखना है जिससे माल ऑर्डर भी एब्जॉर्ब होता है, एक्सुडेट्स भी कम कर सकते हैं। जो लिनन जो रहता है बेड बेड का तो वो ये गंदा नहीं होता है। तो उंड इन्फेक्शन है तो सिस्टमिक और लोकल मैनेजमेंट भी इम्पॉर्टेंट है। सिस्टमिक एंटीबायोटिक देना है, लोकल ट्रीटमेंट तो कवर करके रखना है इन्फेक्शन पेशेंट को अगर ना हो। अगर पेशेंट को पेन है तो पेन के लिए मेट्रोनिडाजोल पाउडर टैबलेट जो है क्रश करके पाउडर विद जाइलोक्सिन जेली मिक्स करके तो लोकल एप्लीकेशन कर सकते हैं जिससे लोकल पेन मैनेजमेंट पेन मैनेज कर सकते हैं। उसी तरह से अगर पेरी ऊन प्रोराइटिस है, इचिंग वगैरह है तो मॉइस्चराइज कैसे करना है, तो सराउंडिंग जो है ऊन तो उस इचिंग किस तरह से कम कर सकते हैं। तो एक्सुडेट की वजह से भी हो सकता है इचिंग, तो इचिंग किस तरह से कम कर सकते हैं, तो हम लोग क्लीन सराउंडिंग एरिया क्लीन रखना है और वैसलिन गॉज भी लगा के हम लोग ऊन एक्सकोरिएशन कम कर सकते हैं। तो फैमिली एजुकेशन इतना इम्पोर्टेंट है, तो हर एक केयर में फैमिली एजुकेशन और फैमिली इन्वॉल्वमेंट इम्पॉर्टेंट है। तो क्यों इम्पोर्टेंट है? जब भी हम लोग केयर देते हैं, जब हम लोग पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं या तो हम लोग पेशेंट को हम लोग घर भेजते हैं, तो फैमिली एजुकेशन इतना इम्पोर्टेंट है कि पेशेंट खुद को, फैमिली केयर गिवर को खुद को कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ या तो मैं कर सकती हूँ घर पे जाके पेशेंट का केयर मैं घर पे जाके कर सकती हूँ। तो फिर पेशेंट और क्यों फैमिली केयर गिवर को एजुकेशन इम्पोर्टेंट है? तो जब भी हम लोग पेशेंट को केयर देते हैं, मतलब केयर गिवर पेशेंट को देते हैं, तो बॉन्डिंग होता है पेशेंट और केयर गिवर में, इतनी अच्छी बॉन्डिंग होता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होता है पेशेंट के केयर गिवर में। और पेशेंट को, केयर गिवर को हम लोग इतना अच्छी तरह से सिखाना इम्पोर्टेंट है कि अगर कुछ नया सिम्टम आ भी जाए तो हम लोग इजीली एक्सेसिबल रहते हैं उन लोगों को, तो फोन कॉल कर सकते हैं या तो एक केयर गिवर हम लोगों को आके मिल सकता है कि फोटो निकाल के, अगर पेशेंट का परमिशन है तो फोटो निकाल के हम लोगों को दिखा सकते हैं, जिससे हम लोगों को और उनका केयर प्लान अच्छी तरह से प्लान आउट कर सकते हैं। तो दूसरी बात ये है, इम्पोर्टेंट है कि केयर गिवर को जो हम लोग एम्पावर करते हैं, जो सिखाते हैं, तो पीस और कंफर्ट के इम्पोर्टेंट केयर गिवर प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि पेशेंट और केयर गिवर में इतनी अच्छी बॉन्डिंग रहती है कि वो अच्छी तरह से मैनेज कर सकती है। और जब भी हम लोग पेशेंट का केयर हॉस्पिटल में दे रहे हैं या तो घर होम केयर में दे रहे हैं, तो पेशेंट के केयर गिवर को सामने रख के हमारे सामने एक बार पेशेंट के केयर गिवर को केयर करना सिखाना चाहिए, कि जिससे पेशेंट के केयर गिवर को कॉन्फिडेंस आता है एज वेल एज पेशेंट को भी कॉन्फिडेंस आता है, हाँ बाबा ये मेरे केयर ले सकते हैं। तो वी कैनॉट चेंज द आउटकम बट वी कैन अफेक्ट द जर्नी। दूसरी बात यह है कि केयर गिवर का जो इन्वॉल्वमेंट है, तो उसमें हम लोगों को पेशेंट की काउंसलिंग इम्पॉर्टेंट है। क्यों काउंसलिंग इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि हम लोगों को पहले पेशेंट के साथ बात करनी है, पेशेंट्स के जो जो प्रॉब्लम्स हैं अकेले में बात करना है विद द हेल्प ऑफ द काउंसलर विद द टीम, जो डॉक्टर नर्सेस काउंसलर सोशल वर्कर्स सबके टीम के साथ बात करके एक पेशेंट की मीटिंग लेना चाहिए, जिससे पेशेंट को जो जो तकलीफ है। कभी कभार ऐसा होता है कि पेशेंट जो है
केयर गिवर के सामने ओपन अप नहीं होता है, तो पेशेंट जो अकेले में बात करना चाहते हैं तो पेशेंट को हम लोगों को पूछना चाहिए। जो भी होलिस्टिक अप्रोच है, पेशेंट को सेल्फ एस्टीम भी को हर्ट नहीं होना चाहिए, उस हिसाब से फिजिकल सोशल स्पिरिचुअल और इमोशनल अप्रोच करना चाहिए। तो पेशेंट के को भी हम लोग कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए, पेशेंट एज वेल एज केयर गिवर को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, और पेशेंट को और रिलेटिव को भी इतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ बाबा मेरा केयर गिवर जो है मेरी घर पे जाने के बाद भी अच्छी तरह से केयर ले सकता है। और दूसरी बात, जब हम लोग पेशेंट के साथ बात करते हैं तो उसी तरह से हम लोग केयर गिवर के साथ भी बात करना चाहिए, और पेशेंट के जो जो प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ शेयर करना है, और उनको दोनों को भी क्लबिंग करके एक फैमिली मीटिंग लेना है जिसे ट्रांसपेरेंसी मीटिंग होती है, जिसे वन टू वन बात करके हम लोग पेशेंट का जो केयर प्लान है और पेशेंट का जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट करके हम लोग अच्छी तरह से पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने जो भी अभी तक टॉपिक देखा है, जो भी हम लोग केयर देखा है पेशेंट का, तो हर एक पेशेंट का अलग अलग डिजीज के हिसाब से अलग अलग केयर प्लान रहता है। तो हर एक पेशेंट का, अगर पेशेंट को कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को पेन होता है तो उसका केयर प्लान अलग रहता है, अगर पेशेंट को पेन नहीं है तो उसका केयर प्लान अलग रहता है, अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो उसका केयर प्लान अलग रहता है, अनकॉन्शियस पेशेंट का केयर प्लान अलग सा रहता है। तो अकॉर्डिंग टू द डिजीज कंडीशन केयर प्लान डिफर्स। तो यूजफुल अप्लायंसेस, तो बेडशोर के लिए हम लोगों के पास एयर बेड रहता है, वाटर बेड रहता है, तो जिससे प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होता है और ये प्रिवेंट कर सकता है, बहुत अच्छी तरह से मदद होती है। अगर बैक, यहाँ पे बैक रेस्ट है जो कि पेशेंट को अगर फीडिंग देना है तो प्रॉपअप करने करके बैक रेस्ट प्रॉपअप पोजिशन दे सकते हैं बैक रेस्ट के हेल्प से। अभी मार्केट में इतने सारे अवेलेबल है कि ये बैक बेड जो है बैक रेस्ट के साथ ही आते हैं, जो ऑटोमेटिक बेड होते हैं जो ऑटोमेटिकली प्रॉपअप कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं। जब भी हम लोग फीडिंग देते हैं पेशेंट को, तो पेशेंट को फीडिंग देने के बाद 20 मिनट उसी पोजीशन में रखना है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं हम लोग लेटते नहीं, तो उसी हिसाब से पेशेंट को फीडिंग देने के बाद उसको थोड़ी देर बिठाना चाहिए, फिर बाद में लैटरल पोजीशन में अगर पेशेंट का विलिंग है तो पेशेंट सो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक चेयर दिखाई है जिसे पेशेंट को अगर वॉशरूम जाना है तो मोशन पास करना है, तो ये कमोड अवेलेबल है जिससे पेशेंट ये चेयर जो है वॉशरूम में रख के पेशेंट को मोशन इजीली पास कर सकते हैं, जिससे पेशेंट का प्राइवेसी भी मेंटेन होती है और पेशेंट का सेल्फ एस्टीम भी हर्ट नहीं होता है। तो यूरिनल भी है, यहाँ पे व्हील चेयर है जिससे जिसमें एक छोटा सा होल है जिससे पेशेंट को मोशन पास करने के लिए इजीली मोशन पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेड पैन है जो बेड बाउंड है, उनको उठ के बैठने के लिए भी ना हो रही है तो ये बेड पैन यूज कर सकते हैं पेशेंट। कंक्लूजन में हम लोगों ने आज ये देखा है कि प्रॉपर केयर जो है, जब भी हम लोग देंगे प्रॉपर केयर प्रोवाइड्स कंफर्ट, हमेशा नर्सेस के टॉप ऑफ द माइंड रहना चाहिए कि जब भी हम लोग पेशेंट को केयर देते हैं तो उसको कंफर्ट इम्पॉर्टेंट है, जो भी कंफर्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नर्सेस के क्वालिटीज है नोबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग, रेस्पॉन्सिबिलिटी, सिंपथी और एफिशिएंसी। सो उस हिसाब से पेशेंट को सेटिस्फेक्शन भी होता है और पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव होती है। उसी तरह से पेशेंट अच्छे तरह से वी कैन प्रोवाइड पेशेंट गुड स्लीप एंड दैट कैन रिलीव द पेन। लेट अस नॉट कंसिडर आर सेल्फ एज फिनिश्ड नर्सेस, वी मस्ट बी लर्निंग ऑल ऑफ अवर लाइफ, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने बोला है। तो थैंक यू। एंड फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो हम लोगों को सिंबल दिया है, जो दिया दिया है कि लैम्प इज एन अप्रोप्रिएट सिंबल, उन्होंने अच्छी सिंबल दिया है हम लोगों को, एक लैम्प जिससे हम लोग पेशेंट को अच्छी तरह से नर्सिंग केयर दे सकते हैं, फॉर नर्सिंग, बिकॉज इन अ फिगरेटिव सेंस नर्सेस ब्रिंग लाइट इन टू डार्क प्लेसेस एंड बी अ बेकॉन फॉर अदर्स, एक प्रकाश होना चाहिए हम लोग।
Thank you. Thank you, Mary, for that wonderful presentation. Stella, ma'am, can you please take up? Yeah, thank you for a beautiful presentation. Any questions from the participants? I want to share one thing. As Mary said, whenever we catheterize the patients, especially indwelling catheter, only means mostly patients need only 10 to 15 ml of 10 to 15 ml of sterile water only for to inflate. Okay. But at times, what we really need to do is at least 25 to 30 ml of sterile water. First you push. Okay. Then withdraw 15 ml. Okay. Just get 10 ml. Okay. That will be better. Otherwise, what happens? When you just push only 10 ml, the bulb won't inflate fully. Okay. It will inflate only on one side. So you can inflate 30 ml and you can take out 15 ml. Okay, is it clear? Yes. Okay. Any questions you can ask? I just one second. You can ask any questions. नमस्कार बोला तम्बाकू फोगा बोल देना इसको तम्बाकू बांध के रखो बोला What, nobody is having any? Sharon, then what's her name? Sheila, Anjali. किसी को कोई questions नहीं है? इसका मतलब आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया है एक बात. दूसरी बात, आप लोग सब अपना patients को अच्छी तरह से देखभाल कर रहे हैं. यही मैं समझो. हाँ, शीला कुरी. सिलकुरी दिख रही है मेरे को. है क्या बोल रहे हैं? ऐसी होता है ना. है अगर कोई सवाल नहीं है हमारे पास, है अगर सवाल नहीं है इसका मतलब सब कुछ समझ में आ गया, इसलिए कोई सवाल नहीं है. एक हो सकता है, नहीं तो क्या है, सब ऊपर से जा गया, कुछ भी समझ में नहीं आया. आप लोगों को कुछ नहीं पूछने के लिए. अच्छा, तो फिर मैं पूछूं. जैसे कि मेरी ने बताया स्प्यूरियस डायरिया बताया, ठीक है. शीला, शीला से मैं पूछ रही हूँ, ठीक है. स्प्यूरियस डायरिया बताया था, आप जरा बता दीजिए मेरे को क्या है स्प्यूरियस डायरिया. Anjali, ready to answer? Spurious diarrhea. What is spurious diarrhea? Mary ने बताया spurious diarrhea भी होता, नहीं तो overflow diarrhea बताया, ठीक है. वो क्या है और हम क्या सवाल patients ने पूछना चाहिए. मैम बोलूं? ना बोलो बोलो. यह है कि मैम जब पेशेंट को कंस्टिपेशन होता है तो कंस्टिपेशन रिलीज के लिए वो कुछ सिरप, बिसाकोडा टैबलेट या लूज सिरप या कुछ भी वो जो वो लेता है, तो कंस्टिपेशन वो लैटिन लूज होके साइड होके आ जाता है बाहर, लेकिन कंस्टिपेशन लैटिन हार्ड लैटिन वो है, लेकिन साइड हो के जो वाटर ये डायरिया में जो फीसेस जो आ जाता है, लगते मुझे शीला
आप बताओ, कुछ सुनाई नहीं दे रहे शीला, आपकी आवाज नहीं है, आप आवाज क्यों नहीं है? हेलो मैम। हाँ अभी बताओ। हाँ वो जो मैम स्टूल म्यूकस की तरह बार 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 स्टूल आता रहता है, मतलब म्यूकस पूरा क्लेशा क्लेशा जैसे वो बार बार हो रहा है उसको, फिर वो बोलता है। नहीं बताता है। मेरी कैन यू एक्सप्लेन अगेन टू देम इन अ वेरी सिंपल और अच्छी तरह से व्हाट इज प्यूरिस डायरिया? स्प्यूरियस डायरिया मतलब जब भी पेशेंट का हिस्ट्री लेते हैं, हिस्ट्री इम्पोर्टेंट है क्योंकि पेशेंट कॉन्स्टिपेशन रहता है, लेकिन पेशेंट ये हिस्ट्री लेके आते हैं कि उसको लूज मोशन हो रही है, तो हम लोग पहली हिस्ट्री में पूछना चाहिए कि आपका लास्ट बॉवल मोमेंट कब हुआ है। जो हार्ड स्टूल रहता है तो रेक्टम में ऐसे ही रहता है, लेकिन जो लूज स्टूल जो रहता है तो लूज स्टूल हार्ड स्टूल से बाजू से निकल के लूज मोशन होता है, ड्रॉप ड्रॉप ऐसे मोशन होता है, तो पेशेंट के रिलेटिव को या पेशेंट को ऐसा लगता है कि उनको लूज मोशन हो रहा है, लेकिन ये लूज मोशन नहीं होता है, डायरिया नहीं होते, ये कॉन्स्टिपेशन के साइंस है। जब हम लोग मैनुअल करते हैं तो हार्ड स्टूल लगता है, जो हम लोगों को मैनुअल करके निकालना पड़ता है, निकालने के बाद हम लोगों को पेशेंट को एडिमा देना पड़ता है या तो फिर लैक्सेटिव देना पड़ता है और या तो फिर सपोजिटरी देना पड़ता है, जिससे पेशेंट का पेट पूरा साफ होने के बाद वो क्लियर हो जाता है। डायरिया मतलब पेशेंट को लूज मोशन नहीं है। पेशेंट क्या बताएंगे आपको, पेशेंट बताएंगे आपको मुझे डायरिया हो रहा है, ठीक है? तो जैसे कि मेरी ने बोला, हमको पहले पूछना चाहिए पेशेंट को, अच्छा डायरिया हो रहा है, कितने बार हुआ है, बहुत पानी 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 जा रहा है, ये सब पूछना चाहिए, ठीक है? अगर पेशेंट बोल रहा है नहीं पानी जैसे नहीं जा रहा है, थोड़ा थोड़ा पानी जैसा आ रहा है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी जैसा आ रहा है, तो सबसे पहले ये बात हमको पूछना चाहिए, अच्छा ठीक है कितना दिन से आ रहा है ऐसे? तो पेशेंट बोलेगा कितना दिन से, तो बोला उसके पहले आपको क्या हुआ था, उसके पहले आराम से जा रहा था, तभी पेशेंट बोलेगा उसके पहले तो मेरा पेट साफ गया ही नहीं है, मतलब कॉन्स्टिपेशन था। समझ में आ गया अभी अंजलि? समझ में आया ना? ठीक है, तब आपको मन में यह रहना चाहिए, इसका मतलब पेशेंट ऑलरेडी कॉन्स्टिपेटेड है, ठीक है? चाहे पेशेंट लैक्सेटिव लिया होगा, बिसाकोडी लिया होगा, फिर क्या है क्रेमाफिन लिया होगा, सब कुछ लिया होगा, लेकिन पेशेंट गया नहीं है, ठीक है? तो जैसे मेरी ने बोला पहले हार्ट स्टूल रिमूव करो, और सबसे अच्छा वो वैसे वो पेशेंट्स के लिए एनिमा ही दे दो, ठीक है? सपोजिटरी ये सब कभी काम ही नहीं करेगा, क्योंकि उतना हार्ड हो गया होगा पेशेंट का स्टोर, तो सबसे ये बात है कि हाई एनिमा देना चाहिए, ठीक है? हाई एनिमा यू टोल्ड मेरी, हैव यू डिड यू टेल देम अबाउट हाई एनिमा? नो मैम, आई डिड नॉट टेल अबाउट द हाई एनिमा, जस्ट टेल देम हाउ हैव टू गिव एन हाई एनिमा आल्सो। यस मैम, जो हाई एनिमा देते हैं पेशेंट को, तो पेशेंट का रेक्टम के उधर हम जो मैनुअल इवैक्यूएशन करते हैं, मैनुअल इवैक्यूएशन करने के बाद डबल पेयर ग्लव्स डालना है, मैनुअल करने का निकालना है ग्लव्स, और दूसरा जो हमारे पास डलपोल एनिमा है, एनिमा को हम लोग सक्शन कैथेटर, जो हम लोग ओरल सक्शन करते हैं वो सक्शन कैथेटर ज्वाइन करना है। और पहली बात इम्पोर्टेंट है कि सेला मैम ने बोला था, जो भी हम इनिमा लेते हैं तो वार्म होना चाहिए, वार्म होना चाहिए, क्योंकि उससे अगर पेशेंट अगर जो भी इनिमा हो कोल्ड है तो वो अच्छी तरह से इफेक्टिव नहीं रहता, तो वार्म करना चाहिए, और वो वार्म एनिमा जो है तो सक्शन कैथेटर कनेक्ट करके पेशेंट को लेफ्ट लैटरल पोजिशन देख के वार्म भी है ना, ज्यादा गर्म नहीं करना, ठीक है? गर्म नहीं करना पेशेंट को, आप है ना, हम लोग गर्म पानी ऐसे देखता है ना कितना गर्म करके यहाँ पर लगाते हैं, ऐसे थोड़ा सा टच करके देखना है, ठीक है? और जाइलोकेन जेली से लुब्रिकेट करना है, और इंसर्ट करते वक्त पेशेंट को डीप ब्रीदिंग लेने के लिए बोलना है, और लेफ्ट लैटरल पोजिशन में देख के जैसे ब्रीदिंग ले रहे हैं तो उस हिसाब से वो जो इनिमा है जाता है। और दूसरी बात, वो लिनन जो है, लिनन
के नीचे एक तो मैट्र रबर शीट डालो या तो फिर न्यूज़पेपर डाल के पेशेंट को डायपर बांध के पेशेंट का मोशन इजीली पास होने के लिए हो जाएगा। वो क्यों ऐसे कर रहा है? फॉस्फेट एनीमा का ट्यूबिंग, फॉस्फेट एनीमा का ट्यूबिंग अब देखा है ना, इतना ही है वो ट्यूब, इतना ही है ना, ठीक है, तो वो है ना बिल्कुल सामने ही रहेगा तो पेशेंट का अच्छा सब, क्योंकि मोशन सब ब्लॉक ऊपर के ऊपर है, ठीक है, तो क्या करना है वो ट्यूबिंग है ना थोड़ा सा ट्यूबिंग कट भी करना है, ठीक है, सामने वाला हम लोग को तोड़ना भी है, ठीक है, उसके बाद ही सेक्शन कैथेटर के साथ अटैच करके फिर देना है, ठीक है, समझ में आ गया शीला? अंजलि, अंजलि मैम, हाँ नीवा बोलो, हेलो हाँ नीवा बोलो, समझाए मैम? अच्छा ठीक है, समझ गया। और किसी को कुछ क्वेश्चंस है? जो भी पेशेंट्स आपके पास आके वापस जा रहा है, उस दिन भी मैंने बताया, प्लीज पेशेंट को बिस्तर कैसे बनाता, बेड मेकिंग कैसे होता है वो बता के देना, ठीक है, मतलब पेशेंट को रख के हम लोग कैसे बिस्तर बनाता है, बेडशीट ऐसे कैसे बनाता है ना, ऑक्यूपाइड बेड बोलता है ना, वो पेशेंट्स को फैमिली को सिखाना चाहिए, क्योंकि घर में जाने के बाद उनको बहुत मुश्किल होता है, पेशेंट तो लेटा रहेगा, ये बेडशीट हम लोग कैसे चेंज करेंगे करके, फिर उन लोग पकड़ के खींचेगा इस तरफ उस तरफ, ठीक है, तो वो बस दिखाना चाहिए, कैथेटर क्लीनिंग कैसे करना वो दिखाना चाहिए, है? फिर पेशेंट को कैसे नहलाता है वो भी बता के दे दो, ठीक है, आप लोग जब भी नहाना पेशेंट को अगर स्पंज बात दे रहे हो उनको दिखा दो, आंख कैसे साफ करता है, कान कैसे साफ करता है, ये सब पेशेंट के फैमिली को आप दिखाने से उन लोग घर में जाके उन लोग भी करेगा, नहीं तो उन लोग को बहुत मुश्किल होता है, ये बात पहले ध्यान रखना। लिम्फेडेमा कोलेस्टीमिया सब छोड़ो, बेसिक नर्सिंग कर यही है, एक पेशेंट अगर घर पे बिस्तर में है तो वो पेशेंट को कैसे बाथरूम तक लेके जा सकता है, व्हील चेयर में कैसे नहला सकता है, नहीं तो बिस्तर के ऊपर कैसे नहला सकता है, उसका हेयर बाथ हेड बाथ कैसे दे सकता है हम, अरे ये सब बहुत बेसिक है, फिर नाखून कैसे काटना है, ये सब आप लोगों को उनको सिखाना है, वो बहुत जरूरी है, ताकि उन लोग घर जाने के बाद उन लोगों को परेशानी नहीं होना चाहिए, उन लोग कूद करेगा और उन लोगों को भी है ना ज्यादा है ना बोझ नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि जब कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है ना, हमारे को सिरदर्द भी हो जाता है और हमको ऐसा लगता है ये जन बहुत बोझ है मेरे लिए, ठीक है, लेकिन जब उन लोग सीख जाता है उनको बहुत आसान लगता है, फिर अरे ये तो ज्यादा प्रॉब्लम ही नहीं है, जल्दी हम कर सकता है करके, ठीक है। और एक जरूरी बात है, ऑलरेडी मेरी ने बोला, फिर भी आपको बता रहे, पेशेंट का फैमिली का पेशेंट को भी बताना है, जब भी पेशेंट कैथेटर में है, ठीक है, कभी भी वो यूरो बैग है ना अपना ये कमर के ऊपर लेके नहीं आना, हमेशा कमर के नीचे ही बांधना चाहिए, बिस्तर में है तो बिस्तर के नीचे बांधना है, अगर पेशेंट व्हील चेयर में है, नहीं तो चलने वाला पेशेंट्स भी रहता है ना, उनको बोलो हमेशा नीचे की तरफ पकड़ना है, कमर के ऊपर की तरफ नहीं पकड़ना, क्योंकि यूरिन का फ्लो ऐसे होता है, नहीं तो पेशेंट्स को इन्फेक्शन रहेगा, कॉन्स्टिपेशन रहने से पेशेंट का यूरिन इन्फेक्शन रहता है, ठीक है, तो ये सब बहुत जरूरी बातें हैं जो पेशेंट को आपको सिखाना है, पेशेंट और फैमिली को सिखाना है, ठीक है, और कुछ नहीं है तो वी विल कंक्लूड। सिनी? यस मैम, देयर इज नो क्वेश्चंस, नो क्वेश्चंस, सो थैंक यू सो मच मेरी, okay, for the wonderful presentation and of course the participants also, jo log bhi questions pucha iska matlab aap log ka doubt tha isliye, okay, so thank you so much, okay, bye, thank you Mary ma'am for the detailed presentation and session, thank you so much, looking forward to have many sessions with you again, and thank you Stella ma'am for joining us today and facilitating with us. They have shared the feedback link in the WhatsApp group and in the short chat also. Please do submit as long as possible, as soon as possible. Thank you all. We'll see you on the next session.